हेलो फ्रेंड्स वन सेकेंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल और जैसा कि आपको पता है कि हमारी शाम की पाँच बजे की क्लास जो है वो इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट क्लास चल रही है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम डेली दस क्वेश्चन देख रहे हैं और लास्ट का क्वेश्चन हमेशा मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप भी इसके सही आंसर को कॉमेंट कर सकें और अपने आप को एनालाइज़ कर सकें कि आपका इंग्लिश किस लेवल पर हो चुका है हालांकि चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे लेकिन अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि चैनल पे 2000 से भी ज़्यादा क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं इंग्लिश की थ्योरी प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल है सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेड के लिए जो अलग से एक, एक स्पेशल टाइप की इंग्लिश लगती है उसकी क्लासेज भी अवेलेबल हैं आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा वीडियोज़ सारे आपको चैनल पर मिल जाएंगे चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन तो देखेंगे हम यहाँ पर आज का पहला प्रश्न तो सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड यहाँ पे इन एलोक्टेबल एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका सिमिलर मीनिंग यानी कि समानार्थी अर्थ रखने समानार्थी शब्द जो होता है वो आपको बताना है चार ऑप्शन दिए हुए हैं फटाफट से देख लीजिए और सीधे हम जंप करेंगे सही आंसर पर फटाफट से देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर बन रहा है अच्छी बात है नहीं बन रहा है तो तुक्का तो लगा ही देना है ठीक है माइनस मार्किंग यहाँ पर कोई नहीं हो रही है तो चलिए देख लेते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इर रिमूवेबल अच्छा रिमूवेबल मतलब क्या होता है देखिए इसका अर्थ होता है अनिवार्य पहले तो हम जो हमारे शब्द का प्रश्न जो पूछा गया है उसका अर्थ हमें जानना बहुत ज़रूरी है इसका अर्थ होता है अनिवार्य कंपल्सरी ठीक है यानी कि जो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हटा नहीं सकते भाई वो चीज़ करनी ही है या फिर वो चीज़ है तो रहेगी ही ऐसे ही इसका भी अर्थ होता है जो हमारा आंसर है इसका अर्थ होता है स्थाई अचल यानी पक्का करना ही करना है मतलब ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती बदल नहीं सकती कैंसिल नहीं हो सकती है तो लगभग लगभग अर्थ समान है एग्जैक्ट समान तो नहीं है लेकिन लगभग लगभग है इसलिए दोनों शब्द एक दूसरे के सीनोनियम हो जाते हैं ठीक है इसके अलावा जो बाकी के हमारे तीन ऑप्शन थे इसमें आपका ये और ये दो वर्ड मिलता है जिसका अर्थ होता है जीतने योग्य जिसे जीता जा सके और अचीवेबल का तो मतलब जो प्राप्त करने योग्य प्राप्त किया जा सके वो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड एक ऐसा प्रीफिक्स आपको इनमें से ही चार ऑप्शन जो तीन निकालना है जो इन तीनों वर्ड के साथ सही सटीक बैठे और सही अर्थ इसका निकले जेनरेट प्रेस कंपोज फटाफट से देख लीजिए यहां पे जनरेट की स्पेलिंग जो है वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत है ये एन ई -E हो पे तो फटाफट से देख लेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए डी जनरेट डिप्रेस डिकम्पोज तीनों ही बिल्कुल एक सही शब्द बन जाते हैं यानी कि डी ई डी लगाएंगे तो ये तीनों ही शब्द के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है चूज़ द मोस्ट सुजेबल कंजक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस ओके यहाँ पे क्या कंजक्शन आना चाहिए वो आपको लगाना है ठीक है ऑस्ट्रेलिया इज़ फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स लैंडस्केप ब्लैंक द हॉस्पिटैलिटी ऑफ इट्स पीपल सेंस सो एंड बिकॉज बहुत आसान है मतलब आपको इसका हिंदी नहीं बन रहा है कोई बात नहीं हिंदी की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे बस आपको सेंटेंस का टाइप देखना है और आपका उत्तर आपके सामने होगा फटाफट पड़ से देखिए चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्यों जाता है वो हो जाता है एंड यानी कि और अब देखिए क्यों होगा क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो सेंटेंस हैं ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स लैंडस्केप इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है अपने लैंडस्केप की खूबसूरती के लिए फेमस है फिर यहाँ पे हम एंड अगर आपको नहीं पता है कि एंड आएगा तो भी द हॉस्पिटैलिटी ऑफ इट्स पीपल और यहाँ के लोगों की जो सेवा भाव है यानी कि जो लोग वो हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये हो जाता है कि आ, सर्विस जो देते हैं किस तरह से अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं ये सारी चीज़ें ठीक है तो इसके लिए भी फेमस है तो यहाँ पर दो विभिन्न विशेषताओं एक तो भाई बहुत एक खूबसूरती की बात हो रही है एक वहाँ के लोगों की बात हो रही है लोगों के व्यवहार की बात हो रही है दोनों अलग चीज़ है विभिन्न चीजों को दिखा रहा है इस वजह से यहाँ पे एंड लग जाएगा हम हिंदी में भी बोलेंगे तो यहाँ पे और शब्द का ही प्रयोग करेंगे ठीक है सेलेक्ट द इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे चार शब्द लिखे हैं किसी एक की कि स्पेलिंग बिल्कुल गलत है आपको बताना है किसकी गलत है देखिए फुलफिल फुलफिल जो होता है वो एक जेनुइन वर्ड है इसका अर्थ होता है परिपूर्ण करना किसी को चीज़ को कंप्लीट करना पूरा करना विलफुल ये भी एक जेनुइन वर्ड है इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है इसका अर्थ होता है जान कर कोई चीज़ जानबूझ के करना शेमफुल शेम और फुल बिल्कुल सही शब्द है कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं इसका अर्थ होता है शर्मनाक अब यहाँ पे जो ये स्केलफुल एक वर्ड आया है ये बिल्कुल गलत है स्केलफुल कुछ होता ही नहीं है स्किलफुल होना चाहिए है ना कौशलयुक्त तो स्किलफुल हो सकता है लेकिन स्किलफुल तो नहीं हो सकता है तो ये गलत वर्ड है तो आपका आंसर जो है वो सी वाला ही सही होता है इम्प्रूव द ओके ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस आई डोंट वॉन्ट एन अवॉर्ड फिर ब्रैकेट में है फॉर हेल्प टू यू यहाँ पे ये क्या इसको सुधार के हम क्या बना सकते हैं ये चार ऑप्शन में से पहले क्यों थोड़ा सा सेंटेंस दे दिया है? ताकि आपके इसके संदर्भ में इसको रिलेट करके सही उत्तर तक पहुंच सको इसलिए ऐसा ये किया जाता है ठीक है फटाफट पड़ से देख लीजिए चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आई डोंट वॉन्ट एन अवार्ड फॉर हेल्पिंग यू ठीक है क्यों होगा यहाँ पे फॉर हेल्पिंग यू अच्छा इसके अलावा टू हेल्प यू भी हो सकता है दोनों का एक अर्थ होता है कि मतलब तुम्हें तो हेल्प को तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए है ठीक है तो टू हेल्प यू या फॉर हेल्प यू दोनों हो सकता है पर फॉर हेल्प टू यू फॉर टू एक साथ ऐसे यूज़ नहीं होता है तो ऐसे हमें दिख रहा कि सेंटेंस ये गलत ही है टू हैव हेल्प यू टू फॉर हेल्पिंग टू यू ये भी गलत हो जाएगा ये तो इसी के जैसा वर्ड हो, हो गया सेंटेंस हो गया नो इम्प्रूवमेंट का मतलब कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है तो सुधार की ज़रूरत तो भैया है गलत है कुछ चीज़ें सिर्फ पढ़ने पे समझ में आ जाती हैं कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है इज़ द मैन एंड हिज़ वाइफ इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखिए ये एक सेंटेंस दिया है पूरा द मैन हिज वाइफ आर वर्किंग इन द गार्डन ठीक है द मैन एंड हिज़ वाइफ होना चाहिए यहाँ पे एंड मिसिंग है पूरा होना चाहिए तो so, ये जो पार्ट है द मैन एंड हिज वाइफ इतना जो है ये प्रेडिकेट है सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट दोनों है या इनमें से कोई नहीं है देख लीजिए तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ये सब्जेक्ट है यानी करता है सेंटेंस के में जिसके बारे में बोला जा रहा है जिसकी बात एग्जैक्टली exactly की जा रही है वो करता है ठीक है काम कौन कर रहा है गार्डन में कौन काम कर रहे हैं है, मैन और उसकी पत्नी तो ये दोनों करता हुए तो ये सब्जेक्ट हो गए बाकी का जो हमारा पार्ट होता है सेंटेंस का बचा हुआ सब्जेक्ट को अगर हम हटा देते हैं तो वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है किसी भी सेंटेंस के दो ही पार्ट बेसिकली होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ठीक है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ठीक है सेंटेंस दिया आपका स्पीच में द टीचर सेट टू द स्टूडेंट यू आर लेट टूडे टीचर ने छात्र से कहा तो माज देर से आए हो लेट हो तो माज लेट हो अब यहाँ पर देखिए नरेशन है चेंज किया गया है इसको ये आपका डायरेक्ट स्पीच था इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है तो सब कुछ पहले से चेंज करके रखा है आपको कोई मेहनत नहीं करनी है आपको उसे बताना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए एक वर्ड जो मिसिंग है क्या आना चाहिए द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट That blank was laid that day. You they he I काफ़ी आसान है देखिए आपका इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपका जो भी प्रोनाउन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो चेंज होगा है ना तो यहाँ पे टीचर ने स्टूडेंट से कहा है वो स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है वो हमें नहीं पता बट जो भी है अगर लड़का है तो यहाँ पे उस, उसके लिए ही यूज़ होगा अगर लड़की है तो उसके लिए यहाँ शी यूज़ होना चाहिए दो ही कंडीशन हो सकती है चूँकि एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है एक छात्र की बात हो रही है है ना तो उससे कहा थर्ड पर्सन को हम इंडिकेट कर रहे हैं तो ही या शी आना चाहिए अब ऑप्शन में हमारे देखो शी तो है नहीं तो फिर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ही सही हो जाएगा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल ड्राई दीज बूट्स इन ब्लैंक सन आसान है बहुत अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था मॉर्निंग के साथ क्या यूज़ करना है नाइट के साथ क्या यूज़ करना है ठीक है कोई भी जाति वर्ग है तो उसके साथ क्या यूज़ करना है द यूज़ करना है आपको पता है तो यहाँ पे सन के साथ भी आपको द का ही प्रयोग करना है क्योंकि जब कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है जैसे सन जो है वो एक प्राकृतिक चीज़ है नेचुरल ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का ही प्रयोग होता है डेफिनेट आर्टिकल कौन है द है आपका ठीक है एक डेफिनेट आर्टिकल होते हैं एक इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं डेफिनेट में आपका द आ जाता है इनडेफिनेट में ए और एन आ जाता है बोथ द वर्ड्स एजुकेटर एंड इंटरटेनर आर वॉट मतलब एजुकेटर और इंटरटेनर दोनों शब्द क्या है वर्ब है एडजेक्टिव है नाउन है डिटरमाइनर है देख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आपका प्रश्न सब बन रहा है सबसे बेसिक टॉपिक है और इसी से इतने प्रश्न बनते हैं तो देखिए एजुकेटर मतलब क्या वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो शिक्षा दे रहा है ठीक है पद बताया जा रहा है कि वो एक एजुकेटर उसका प्रोफेशन है एजुकेशन देना एंटरटेनर भी मतलब कि जो आपका एक व्यक्ति जो आपको एंटरटेन कर रहा है तो दोनों व्यक्ति के संदर्भ में यूज़ हुआ है ना तो ये क्या हुआ ये नाउन है ठीक है प्रोनाउन तो ये कोई है नहीं ये प्रॉपर नाउन है ये बता रहा है कि ये एजुकेटर है वो इंटरटेनर है कोई एक्टर है कोई टीचर है कोई कुछ है वो सारी इस तरह की चीज़ें आपकी नाउन के अंतर्गत आ जाती हैं जो एक विशेष वर्ग को दर्शाती हैं राइट द फैमिन फॉर्म ऑफ हॉर्स मैथ्स शीप हॉर्सनेस या शी हॉर्स हॉर्स मतलब घोड़ा तो इसका जो फैमिलिन जेंडर होता है यानी कि स्त्रीलिंग शब्द होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर ए मैर इसका मतलब घोड़ी ठीक है काफ़ी आसान था मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का छोटा सा से से सेशन आपको पसंद जरूर आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए पाँच बजे ये प्रेमैर क्लासेस जाती है आपकी तो आप लाइव चैट में आके सही आंसर्स भी कॉमेंट साथ, साथ करते चल सकते हैं अगर आप पाँच बजे ज्वाइन करते हैं अदरवाइज़ छोटी वीडियो इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप लाइव नहीं देख पाएँ तो बाद में भी आप देखें तो आपका टाइम भी बचे चूँकि कंपटीशन इतना है कि आपको अपने समय की भी बचत करना बहुत ज़रूरी है ज्ञान प्राप्त करने प्रैक्टिस करने के साथ साथ क्योंकि सारा समय थोड़े से क्वेश्चन में ही अपना वेस्ट कर देंगे तो बहुत कंपटीशन है आप आप अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते लेकिन कुछ सेकंड वेस्ट कर सकते हैं फटाफट से लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए चैनल वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सी यू नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बाय